नागौर जिले में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों घटित हुई घटनाओं से ऐसा लगता है कि पुलिस का खौफ अपराधियों में पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जायल के कटौती, SBI बैंक के कैशियर से दिन दहाड़े 20 लाख रुपए की लूट और किसान से दिन दहाड़े लाखों की लूट से पुलिस की कार्रवाई की पोल खुलती नजर आ रही है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि अपराधी जल्दी पकड़े जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कटौती के बैंक कैशियर द्वारा 20 लाख रुपए लेकर बैंक में आते समय निजी वाहन को टक्कर मारकर कैंपर सवार आधा दर्जन बदमाशों ने इस बड़ी लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने नाकेबंदी करवाई और जगह जगह छापेमारी की, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। इसी तरह नागौर में भी ऐसी ही घटना सामने आई है, पर अब तक अपराधी नहीं पकड़े जा सके हैं। इसी तरह लाडनू में पुलिस गाड़ी पर फायरिंग कर शराब माफियाओं द्वारा दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम देना पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। देखने वाली बात यह है कि आनंदपाल गैंग के लगभग समाप्त होने के बाद ऐसी घटनाओं का होना किस ओर इशारा कर रहा है, यह आम जनता एक सवाल के रूप में पुलिस से जानना चाहती है। इससे पहले जब कोई घटना घटित होती थी तो पुलिस का सीधा सा इल्जाम होता था कि आनंदपाल गैंग द्वारा इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है, लेकिन आनंदपाल के इनकाउंटर में मारे जाने के बाद जो घटनाएं घटित हो रही है उसको देखकर ऐसा लगता है कि नागौर में अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं।